एबीसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं अमन वर्मा, लैपटॉप ट्रेनर। आज मैं आपको अपने एक स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली इनका कोर्स यहाँ से आज कंप्लीट हो चुका है और ये सलमान है जो बिहार से आए हुए। इन्होंने काफ़ी टाइम तक दिल्ली के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट में विज़िट किया बट इनको कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तो लास्ट टाइम ये हमारे पास आए और इन्होंने बहुत अच्छे से कोर्स हाँ तो इन्होंने अपना ये कोर्स कम्प्लीट किया और इनको पहले से भी ऑलरेडी नॉलेज थी। तो इनसे पूछते हैं कि कैसी रही इनकी यहाँ पे जर्नी और इनको कैसा लगा यहाँ पे। हाँ जी सलमान जी बताइए। सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ कि सर इस इंस्टीट्यूट में मैं आ गया। इससे पहले सर मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैं गया था ट्रायल के लिए, जो होते हैं कि डेमो क्लास के लिए जब जाते हैं। तो सर डेमो क्लास के लिए हम गए तो सर वहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फीस भी बहुत ज़्यादा बता रहे थे और अच्छा भी नहीं लग रहा था। और ऑलरेडी मैं दो इंस्टीट्यूट से आ चुका हूँ मैं पढ़ाई करके। अच्छा। चीप लेवल के लिए मैं दो इंस्टीट्यूट के लिए गया था, वहाँ पे दोनों पे गए लेकिन दोनों पे सर मुझे उस लायक नहीं मिला पढ़ाई जिस लायक मुझे चाहिए था। लेकिन सर यहाँ पे आने के बाद जब आपसे हम डेमो क्लास लिए तो फिर मुझे लगा कि सर यहाँ पे मैं जिस चीज़ का तलाश में हूँ शायद सर वो मैं सीख सकता हूँ। तो सर फिर मैं यहाँ पे आके ज्वाइनिंग लिया और मुझे तो ज़्यादा खास करके प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा बहुत चीप लेवल में नॉलेज लेना चाहिए था, जो डीपली में मुझे लेना चाहिए था वो मुझे मिल गया। और मुझे विश्वास है सर कि अगर कोई भी रिपेयर के लिए लैपटॉप आएगा तो मैं उसको मैं रिपेयर करके ढंग से दे सकता हूँ सर। अच्छा अच्छा तो जैसे कि अभी जो आपकी जो क्लासेस हुई हैं जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें आप बिल्कुल बढ़िया से कर लोगे। तो जैसे कि मैंने इनको प्रॉपर अच्छे से क्लासेस दी हुई, अच्छे से क्लासेस इन द सेंस जैसे कि हम क्लास देते हैं स्कीमेटिक प्रॉपर रीड करना, मदरबोर्ड पर हमारी जो होती है प्रॉपर प्रैक्टिकली क्लासेस होती है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट प्रैक्टिकली नहीं करेगा तब तक वो बोर्ड को रिपेयर नहीं कर सकता है। तो डायरेक्ट मदरबोर्ड पर लाइव क्लास होती है, हमारे पास मदरबोर्ड आते हैं मार्केट से, इन पर हम सप्लाई डाल के पूरा प्रॉपर चेक कराते हैं। स्कीमेटिक रीडिंग है, बायस प्रोग्रामिंग है, DSO है, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो इस तरह से सलमान है, इन्होंने यहाँ से कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद अब ये इनके ऑलरेडी दुकान भी है तो अब ये जाके अपने बिजनेस को वहाँ पे बढ़ाएंगे। तो अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो आप हमसे जुड़िए एबीसी इंस्टीट्यूट में, पहले डेमो क्लासेस लीजिए समझिए और उसके बाद आप हमसे जुड़िए। सलमान बताओ चीप लेवल में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे लगती है? सर मुझे चीप लेवल में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होता था कि मुझे कंपोनेंट को फाइंड करना, कौन सा कंपोनेंट का ट्रैक कहाँ से जा रहा है उस चीज़ को हम फाइंड नहीं कर पाते थे। अगर हम जैसे कि मान रहे कि इसी बोर्ड का हम बात कर रहे हैं, इस बोर्ड में अगर 3-5 का अगर वोल्टेज हमारा मिसिंग हो रहा है तो 3-5 का जो वोल्टेज होता है वो हमारा मिसिंग हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, इस चीज़ को हमें फाइंड करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और ये चीज़ हमें कहीं पर नहीं मिल पा रहा था। तो इसी चीज़ के लिए मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में सर मैं गया, वहाँ पर मुझे उस चीज़ को नहीं मिला। मुझे ये भी उम्मीद नहीं था सर कि यहाँ पर भी सिस्टमेटिक से हमें पढ़ाई होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सर सिस्टमेटिक्स हुआ जो हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया और उसके वजह से तो सर मैं बिल्कुल नॉर्मली तरीके से अब लैपटॉप रिपेयर कर सकता हूँ सर। चलो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। ओके सर, थैंक यू सर।